हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्लास ऑफ प्लानिंग विद राहुल शर्मा, योर फ्रेंड एंड गाइड। तो क्लास किस बारे में? सर, MEG 14 हु आर वेटिंग विद दिस वीडियो फ्रॉम लॉन्ग ब्लड टाइम। अब बाकी वीडियो ज्यादा थे, हमारी वीडियो नहीं आ रही एंड वी हैव बीन वेटिंग फॉर दिस वीडियो। तो यार सॉरी, थोड़ी गड़बड़ हो जाती है कि वीडियो में थोड़ी सी ट्यूनिंग गड़बड़ होगी। यहाँ पे क्लियर करते हैं MEG 14। तो यहाँ पे फाइनल करेंगे वो सारे क्वेश्चन जो आपको अपकमिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने। तो दो तीन चीजें क्लियर करते हैं। फर्स्ट सर, व्हाट वुड बी द पेपर पैटर्न? क्या कुछ छोड़ सकते हैं? पहली चीज क्लियर करते हैं, क्या कुछ छोड़ सकते हैं? यस डेफिनेटली यू कैन लीव कुछ पार्ट। सो सिर्फ वो सिर्फ एक पार्ट, कुछ नहीं। मतलब मैंने कहा यार, समस्कार या तमस दोनों से कोई एक चूज कर लो, सिर्फ यही मैं बोलता हूँ आपको मैक्सिमम छोड़ने के लिए। उसके अलावा कुछ भी नहीं छोड़ सकते, वेदर इट्स अ पोएट्री, वेदर इट्स शॉर्ट स्टोरीज और तुगलक, वी कैन नॉट लीव दैट वन। सो नॉन फिक्शनल राइटिंग कंफर्म पेपर में घुसा नहीं। सर पेपर पैटर्न पांच क्वेश्चन करने, पांच क्वेश्चन होंगे, हर किसी में चॉइस होगी एंड यू गाइस नीड टू डील विद दैट। आपने पांच क्वेश्चन द वेरी फर्स्ट। तो क्लियर करते हैं पेपर को, पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। इट बी फाइव क्वेश्चंस कंफर्म दैट यू गाइस नीड टू डू। पांच क्या होंगे? एक्चुअली पांच ही पेपर में होंगे जिनमें आपके पास चॉइस होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला हमारा आर्टिसीज रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट। अभी रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट सर, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन पोएट्री। कौन कौन सी पोएट्री करनी है? मतलब इतनी सारी पोएट्रीज, अराउंड 21 to 23 पोएट्रीज है हमारे कोर्स में जो मैं करनी है। तो सर 7-8 आपको बता दूं, जिनको आप कर लो तो मोर देन होगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो साथ में लिखते जाना है, बेटर रहेगा क्योंकि शायद मैं बोर्ड पे शेयर ना करूं। तो दिमाग में आते सर, रेलिगम। सर ये आती है खांसी के नाम से जाना, इसको प्रैक्टिकली होते रेलिगम, REQUIEM रेलिगम। तो हमें पूरा ऑन्टोमोलॉजी, दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड पोएट्री पेपर में आई हुई बोर्ड पर। तो हमें होनी चाहिए REQUIEM। तो पहली पॉइंट तो हमारी हो गई है। तो ये पेपर में भी आती है, डेफिनेटली आती है। चेंजेस हैं कई सारे जो हमें दिमाग में रखने, इसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। देन ट्री एंड द सीज, द नेक्स्ट वन ट्री एंड द सीज, इनको लिख लेना यार क्योंकि मैं रब कर दूंगा, फिर गड़बड़ हो सकती है आपने नहीं लिखा तो। और पिच थोड़ी स्लो रख रहा हूं ताकि आप लोग आराम से क्लियर करें। एंड देन द मोस्ट एक्सपेक्टेड किचन, मदर सीरियस, तो सर हमने कहा राइटिंग द ट्री एंड द सीज, किचन, मदर सीरीज। नाउ वी नीड टू गो विद द अदर वन, दैट इज द मून। ये पोएट्री डेफिनेटली द मून, ये कई बार आई है, हमने को आनी चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक एक चीज को ऑन टिप कर लूंगा एंड देन आई विल कम टू श्री राधा, वन ऑफ द इजिएस्ट पोएट्री। सर क्या पेपर में आती है? हाँ बिल्कुल आती है। इसके अलावा डेफिनेटली पोएट्री तो बहुत सारी है। अब मैं दो तीन को रचना, मैंने कहा यार ये जरूरी थी कि मैं हर पोएट्री को करूं। तो आपने कहा ये पोएट्री अब तक कर लिए, इनमें हमने दिमाग भी लगा लिया। द स्टेयर द नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट, सीरियसली लास्ट को डील करेंगे। अब लास्ट पोएट्री कौन सी होने वाली है? आई होप यहां तक 1 2 3 4 5 6 7 और आठवीं पोएट्री और प्लस, I repeat, or press, this is one of the most important poetry जो हमें on tip होनी चाहिए। Actually, it's a Dalit writing poetry. तो paper के point of view से सबसे important है और हमें आनी भी चाहिए। आपने तो Dalit writing है, क्या changes आ रहे हैं इनमें, किन किन चीजों को देखना हमें, ये important था। तो पहला question हो गया हमारा, the very first question, हमने कहा sir reference to context आना है। अभी reference to context आप कैसे करते हैं, क्या बेसिक्स है जिनको फॉलो अप करना आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स में सारी सारी पॉइंट्स दी हुई हैं, तो नीड नॉट वरी अबाउट दोज आर नोट्स एंड दोज डोंट हैव नोट्स। गाइस आप लोग सिर्फ और सिर्फ फॉलो करो जो मैं बता रहा हूं, आराम से होगा। तो ये हो गया पेपर पैटर्न का फर्स्ट क्वेश्चन। सर कंफर्म था कौन सा है हमारा? सर आर्टिसीज फ्रॉम पोएट्री। कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन समस्कार और सर चॉइस होगी तमस।
गवाह को भेज सुनाने, नरेटिव टेक्निक दोनों में। टॉपिक्स लिख रहे हैं आप लोग, प्लीज मेंशन कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। नरेटिव टेक्निक सबसे इंपॉर्टेंट, देन कैरेक्टराइजेशन, वेदर इट्स तमस वेदर इट्स समस्कार, कई सारी चीजें। मैंने बोला सर अगर समस्कार की बात करता हूं तो आई डू कम विद वन मोर पॉइंट, दैट इज इवेंट्स। सो वो इवेंट्स हमारे पास तमस में भी आते हैं, तो हमने बोला नरेटिव थीम्स इवेंट्स, कई इवेंट्स हैं कैरेक्टर्स को लेके, कैरेक्टराइजेशन तो चार टॉपिक्स बन गए हमारे पास, कौन से सर नरेटिव टेक्निक थीम इवेंट्स कैरेक्टराइजेशन ट्रांसमिशन। ये ट्रांसमिशन आपने ध्यान रखना है समस्कार के लिए, और जब मैं बात करूं तमस की कॉम्युनल प्ले या इस कॉम्युनल प्ले आप सर सर पार्टीशन का पॉइंट ऑफ व्यू आता है यहां पे, वो हमें ध्यान रखना है। तो ये कॉम्युनल और पार्टीशन का पॉइंट ऑफ व्यू दोनों ये तमस के लिए, तो ये हैं वो टॉपिक्स जो आपको प्रिपेयर करने हैं अगर आप समस्कार या तमस में किसी एक को चूज करते हो। अगर समस्कार आया तो डेफिनेटली आपको इवेंट्स पे ध्यान देना है, लास्ट जो सेक्सुअल इंटू कोर्स पे आया था किसके सर मेरे नहीं क्लियर लेना में कौन सा सर दो करेक्टर है, मैं उनके नाम भी बताऊं नहीं नोटबुक में, आप लोग उसको तसल्ली से करेंगे। तो कॉमनल और हमारे पार्टीशन ये दोनों किसके लिए आते हैं, ये आते हैं हमारे पास समस में, तमस में ऑटोबायोग्राफिकल का इवेंट, ऐसा ऑटोबायोग्राफिकल प्ले अगर आप बोल सकते हैं तो वो भी आता है तमस की प्रिपरेशन कर रहे। तो यार आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो जो नहीं लिखा अभी तक, ताकि ये हमारे दिमाग में रहे, हम बहुत आराम से कर सकते हैं, दैट विल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर टू, सो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, सेकंड भी हो गया, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। सर तीसरा क्वेश्चन कंफर्म है, कौन सा प्ले आप सबको बताऊं जी, दैट इज नन अदर देन द तुगलक। अब तुगलक को छोड़ नहीं सकते किसी भी तरह से, क्योंकि ऑप्शन में भी तुगलक ही आने वाला है, आपके ना तुगलक को समझना जरूरी है। थर्ड वन तुगलक, अब इसके पॉइंट्स ना रैदर बोर्ड पे लिख रहे हैं, मैं आपको समझाता हूं। कैरेक्टराइजेशन तुगलक में दो तीन डोमिनेंट है। नेक्स्ट वी डू हैव द विजनरी, फ्यूचर विजनरी मतलब द वे द राइटर हैड राइट डाउन द तुगलक शोज तुगलक एज अ फ्यूचर विजनरी किंग, उसको हाईलाइट करना, उसके पॉइंट को समझना है। देन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलर किंग दैट वाज बीन हाईलाइटेड इन द स्टोरी लाइन, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलर किंग वो आप लोगों को वांटेड होना चाहिए। अब बात करते हैं सर कैरेक्टराइजेशन हमने कर लिया, हमने कहा थीम्स, थीम्स पे क्वेश्चन आता है, दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये हो गया एंड लास्ट क्वेश्चन जो इस बार आने के चांसेस है आइडियाज, अब उसके आइडियाज के अंदर यूज ऑफ आइडियाज एंड फाइनल करते हैं, दैट इज नरेटिव टेक्निक। ये पॉइंट है तुगलक में जो आपको प्रिपेयर करने हैं। So guys, these are just the five points that you guys need to keep in mind while preparing Tughlaq. Confirm 100% like Tughlaq ka question paper mein aana hai. So teen question ho gaye. Jump to the fourth one, the short stories. I hope aapne pura ka pura likh liya hai. Koi dikkat nahi hone wali. Come to question four, that is शॉर्ट स्टोरीज, कौन सी आएगी कौन सी छोड़ देना, तो दिमाग में आ रहा है कि सर ये वाली करूं या नहीं छोड़ दू, मतलब तो दिमाग में पड़ सकती चीज, तो मैं कहता हूं शुरू करते हैं तड़पा से। नहीं सर, वी कैन स्टार्ट विद वेरी लोनली शी, मीना मासी की बात कर रहा हूं, तो यहां पे हमें कैरेक्टर्स को ऑन टिप कर लेना है, वो स्टोरी लाइन के बेसिक प्लॉट्स को दिमाग में रखना है। सर हेडमास्टर प्रॉन चंचूर वो भी मैं और कई बार आया हुआ है, तो मैंने कहा यार मैं कौन सा कर रहा हूँ कौन सा छोड़ रहा हूँ, किसको पढ़ूंगा किसको छोड़ दूंगा, इंपॉर्टेंट है टिनी ग्रेनी, दैट इज टिनी ग्रेनी, और देन आई नीड टू कम टू द एम्प्टी चेस्ट। सो एम्प्टी चेस्ट हो गया, टिनी ग्रेनी हो गया, तड़पा हो गया, हमारे पास वेरी लोनली शी हो गया, एंड देन आई कम टू द नेक्स्ट वन दैट इज द बर्थडे, एंड दिस आई कैन नॉट लीव द कॉम्प्रोमाइज,
ऑलमोस्ट 7 to 8, यस ऑलमोस्ट 7 to 8, ये आपको ऑन टिप पहुंची है। शॉर्ट स्टोरीज कहीं जाने की जरूरत नहीं, इतनी देर में देखते हो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, सारी की सारी वीडियोस आपको यहीं मिल जाएंगी। खाली उन वीडियोस को देख के पूरी तरह फॉलो करना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। नाउ कम टू द लास्ट आइटम, दैट्स नॉन फिक्शनल प्रोज। अब नॉन फिक्शनल प्रोज में हमें क्या करना है, क्या छोड़ देना है, उसको क्लियर करते हैं। एक बार ऐसा करते हैं, खुद लिख लेते हैं आप। तो यार ये थी वो शॉर्ट स्टोरीज जो हम लोगों को ऑन टिप पहुंची है। अगर आपने सारी सारी शॉर्ट स्टोरीज कर ली तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, सिर्फ इसमें ज्यादा एक रह गया होगा, दैट इज टिनिंग्स ग्रेनी। तो यार ये थी शॉर्ट स्टोरीज जो आपको प्रिपेयर करनी। नाउ कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन सर, नॉन फिक्शन राइटिंग फ्रॉम MEG 14। तो सबसे पहले बामा की बात करता हूं, दलित राइटर डोमिनेंट है बामा, तो करू का वो इंपोर्टेंट चीज, मैंने खाली बामा को लिख दिया। इश्वर चुपता है मंटो, ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। देन वी आर हैविंग प्रेमचंद एंड मनी महेश, these are the four topics that you guys need to prepare for question number 5, and I guarantee 100% in char mein se ek confirm paper mein hoga, whereas Mani Mahesh, Manto, Premchand aur Mama, kalam ka sipahi ke naam se janata hai Premchand ko, agar kalam ka sipahi maan aata to guys please don't worry, it's all about the work of Premchand. ab aapki job shuru hogi, you don't have much time, I know, but you can easily crack this paper while following these topics jo maine is video mein bataye. For more you need to like, share and subscribe if you think it's worth to watch, and koi problem hoti come to the comment box, I'll definitely try to solve it as soon as possible. All the best guys.